भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक नौगछिया से भागलपुर जाने वाले ओवरलोड ट्रकों के लिए नो एंट्री। मंगलवार से नया नियम प्रभावी। विक्रमशिला सेतु और पथ पर मंगलवार को भी दिन भर रह कर जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि जाम ने कभी विकराल रूप धारण नहीं किया, इसलिए लोगों को अन्य दिनों के मुकाबले कम परेशानी हुई। तो देर रात सेतु पर रात्रि 9 बजे के बाद जाम लग जाने की सूचना मिली है। जानवी चौक ट्रैफिक थाने के प्रभारी जयनाथ ने बताया कि प्रशासनिक स्तर से विक्रमशिला सेतु और पथ पर यातायात के नियमों में बदलाव किया है। अब रोजाना सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ओवरलोड वाहन नौगछिया से भागलपुर की ओर नहीं जा पाएंगे। इसके लिए पूरी तरह से सख्ती की गई है। मंगलवार से यह नियम प्रभावी हो गया है, इसलिए जाम से लोगों को राहत मिली है। श्री जयनाथ ने कहा कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देशन में वे लोग पुल और पुल पथ पर यातायात की व्यवस्था निर्बाध रखने के लिए प्रयासरत हैं। उम्मीद है कि आए दिन जाम की समस्या से जरूर निदान मिलेगा। नवगछिया क्रिकेट टूर्नामेंट में कटिहार हुआ विजेता। नवगछिया के बाजार समिति मैदान में स्वर्गीय छेदो देवी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे लीग मैच में कटिहार बनाम नारायणपुर के बीच मैच खेला गया, जिसमें नारायणपुर की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। नारायणपुर की टीम 18 ओवर में कुल 97 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं नारायणपुर का कोई भी बल्लेबाज जम नहीं सका। इसके बाद जवाब में उतरी कटिहार की टीम ने 13 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। 96 के स्कोर पर कटिहार की टीम के अनिकेत कुमार ने चौका लगाकर अपनी टीम को विजय श्री दिलाई। कटिहार की ओर से 4 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि नारायणपुर के 2 बल्लेबाज रन आउट हुए। वहीं आयोजक डॉक्टर रजनीगमन झा ने दोनों टीम को शुभकामनाएं दी, साथ ही अमित पांडे एवं उनकी टीम को सुंदर व्यवस्था के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। नवगछिया, मिथुन के मोबाइल नंबर से खुलेगा हत्या का राज, उठ रहे सवाल आखिर क्यों चुप हैं परिजन। नवगछिया के नया टोला में मिले मिथुन का शव शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस अब कांड के अनुसंधान और उद्भेदन में जुट गई है। मालूम हो कि शव शिनाख्त हो जाने के बाद मिथुन का विधिवत दाह संस्कार परिजनों द्वारा मंगलवार को किया गया। इस मामले में परिजनों की चुप्पी बड़ा सवाल उठा रही है। पुलिस स्तर से मिली जानकारी के अनुसार आखिर मिथुन की हत्या क्यों कर दी गई, परिजन पुलिस को भी संदर्भ में अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि घटनास्थल से मिथुन का मोबाइल गायब है। अब पुलिस मिथुन और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के मोबाइल नंबर के सहारे इस कांड का खुलासा करने का प्रयास कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मिथुन को जिसने भी मारा है, उसने मिथुन को पहले विश्वास में लिया, फिर उसकी हत्या कर दी। सूत्र मामले की तह में प्रेम प्रसंग होने की बात बता रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है या प्रेम प्रसंग मिथुन का ही था या किसी और के प्रेम प्रसंग का विरोध करना या फिर प्रेम प्रसंग का राज जान लेना मिथुन की हत्या का कारण बना। सूत्र यहां तक कह रहे हैं कि हत्यारा मिथुन के घर के आसपास का ही है। मिथुन का पारिवारिक जीवन भी असंतुलित होने की बात सामने आ रही है। हालांकि मिथुन के बारे में आसपास के लोगों का कहना है कि वह अपने काम से काम रखने वाला युवक था, गलत सोहबत में नहीं रहता था और बुरी लत भी नहीं थी। मालूम हो कि मिथुन के परिजनों के अनुसार मिथुन अंतिम बार 21 नवंबर को अपने घर आया था, उसके बाद वह काम पर चला गया। इसके बाद वह काम से कभी वापस नहीं आया। 4 दिसंबर को सब बरामद हुआ और 9 दिसंबर को परिजनों ने इसकी शिनाख्त की। घर से लगभग 200 मीटर दूर मिथुन की लाश मिली, लेकिन शिनाख्त में 5 दिनों का समय भी सवाल खड़ा कर रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नौगछिया के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा ने कहा कि पुलिस जल्द ही इस मामले का उद्भेदन कर लेगी। नौगछिया बाजार में निरंतर लग रहा जाम, नो एंट्री का हो रहा उल्लंघन। नौगछिया स्टेशन रोड पर निरंतर जाम लग रहा है। जाम लगने का कारण नो एंट्री में पिकअप ऑटो टोटो घुस जाने के कारण
स्टेशन रोड मंगलवार को भी दोपहर 12 बजे से 2 बजे शाम तक जाम की जद में रहा। बाइक सवारों और पैदल यात्रियों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। नौकछिया स्टेशन से मक्का तकिया तक दूरी तय करने में लोगों को आधे से एक घंटे का समय लग रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस व प्रशासनिक स्तर से लागू नो एंट्री का पालन यदि सख्ती से करवाया जाए तो लोगों को रोजाना लगने वाले जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चोरी की बाइक के साथ बाइक चोर गिरफ्तार। नौकछिया पुलिस ने मंगलवार की सुबह चोरी की बाइक बैगनी रंग की बजाज बरामद किया है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में एक बाइक चोर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बाइक चोर रंगरा ओपी के भवानीपुर नया टोला निवासी माहेश्वरी पंडित का पुत्र विपिन पंडित है। चोरी की बाइक बरामद होने के बाद नौकछिया थाना में थानाध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार चोर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नवगछिया एसडीओ ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति का दिया निर्देश। सड़कों की अद्यतन स्थिति की मांगी सूची। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल अनुश्रवण समिति की हुई बैठक। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में मंगलवार को अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक एसडीओ मुकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सभी विभाग के पदाधिकारियों व अनुश्रवण समिति के सदस्य शामिल हुए। एसडीओ ने बैठक में उपस्थित सभी अनुश्रवण समिति के सदस्यों से अनुमंडल के सड़कों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा बताया गया कि बहुत सारे सड़कों की स्थिति जर्जर है, उन सड़कों की मरम्मति की अत्यंत आवश्यकता है। नारायणपुर में पैक्स चुनाव के सभी अध्यक्षों ने दोबारा जमाया कब्जा। नारायणपुर प्रखंड के 6 पंचायत में हुए पैक्स चुनाव में पैक्स अध्यक्ष ने पुनः दोबारा कब्जा जमा लिया है। कसमाबाद से दिवंगत पैक्स अध्यक्ष वशिष्ठ झा की पत्नी सगुन देवी निर्विरोध निर्वाचित हुई। वहीं भंवरपुर पैक्स से पैक्स अध्यक्ष हिमांशु कुमार झा ने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रेम कुमार झा को 199 मतों से पराजित कर दोबारा अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। मतगणना के दौरान हिमांशु झा को 477 एवं प्रेम को 278 मत मिले। जयपुर चूहर पश्चिम पंचायत के मुखिया स पूर्व प्रमुख ईशो यादव की पुत्र वधु पैक्स अध्यक्ष सुनीता राज 375 मतों से अपने प्रतिद्वंदी अंगद मंडल को पराजित कर दोबारा अध्यक्ष पद पर कब्जा को बरकरार रखी। मतगणना के दौरान सुनीता राज को 538 व अंगद को 167 मत मिले। नारायणपुर पैक्स से नीलाव कुमार ने प्रतिद्वंदी पूर्व मुखिया स जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रभात रंजन उर्फ अनिल पटेल को 493 मतों से पराजित कर पुनः अध्यक्ष पद पर दोबारा कब्जा जमाया। मतगणना के दौरान नीलाव कुमार को 585, अनिल पटेल को 92 व अभिषेक को 98 मत मिले। बैकंठपुर पैक्स में राजीव कुमार रंजन ने प्रतिद्वंदी श्रीकांत मंडल को 211 मतों से पराजित कर दोबारा अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। मतगणना के दौरान राजीव को 404, श्रीकांत को 211 मत मिले। नगरपारा पैक्स में रुद्र प्रताप सिंह ने प्रतिद्वंदी संजीव कुमार उर्फ बबलू सिंह को 27 मतों से पराजित कर पुनः अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। मतगणना के दौरान रुद्र प्रताप को 250, संजीव को 223 व चंदन को मात्र 8 मत मिले। निर्वाचित पदाधिकारी सब बीडीओ अजय प्रकाश राय ने विजेता सभी अध्यक्ष पद से जीते पैक्स अध्यक्ष को प्रमाण पत्र देकर बधाई दी। जीत की खुशी में समर्थकों ने फूल माला, अबीर गुलाल उड़ाकर मिठाइयां बांटी व विजय जुलूस निकाला। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-047-33, 73-68-91-47-33, www.pis.education। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार जरूर पधारे प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात सोना मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नौगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है AC एवं नॉन AC कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना
मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन 0 माइल नगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9661904817 7979-499-821 नगछिया का पहला फर्नीचर शोरूम अब और भी नए आकर्षक रूप में। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम, फर्नीचर, फर्निशिंग एवं किचन वेयर के सभी सामान के साथ एक नए आकर्षक रूप में। शीशम सागवान पलंग, त्रिवेणी वैशाली कंपनी अलमीरा, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। धनतेरस गौरी शंकर फर्नीचर नगछिया हाई स्कूल के सामने। संपर्क सूत्र सौरभ जायसवाल 9706611005 8292-9431। नगछिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम वर्ल्ड जिम स्टेट बैंक के सामने एक्सिस बैंक के समीप नवगछिया। समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने का एक उपक्रम पूर्णतया वातानुकूलित। महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय मोटापा, हाई लो बीपी, थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी को खुद से दूर भगाएं। व्यवस्थापक अमित कुमार, सचिव अभिषेक आनंद। हमारा पता है वर्ल्ड जिम नवगछिया स्टेट बैंक के सामने एक्सिस बैंक के पास। संपर्क सूत्र 9031696929 9031-6929 799-224-5510 बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। हमारे यहाँ उपलब्ध है ट्रॉली बैग, डफल, स्कूली बैग, सूटकेस, लेडीज पर्स, जेंट्स पर्स, छाता, रेनकोट सहित कई सामान। 20 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक का बैग है हमारे पास उपलब्ध। नगछिया का एकमात्र दुकान जहां उपलब्ध है अमेरिकन टूरिस्टर का सामान। एक बार अवश्य पधारे बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नगछिया। संचालक डॉक्टर रजनीकांत देव। हमारा संपर्क सूत्र है 8294855586 8294-5586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। नवगछिया का गौरव त्रिशा खोआ मेकर। शुद्ध घी, खोआ, पनीर, मक्खन के लिए एक बार अवश्य पधारें। पता भवानीपुर नया टोला नवगछिया काली स्थान के समीप। संपर्क करें कुंदन कुमार जायसवाल 9571-43094-8779-2100। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। निकेत बने गोपालपुर प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि। गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने निकेत बिहारी को गोपालपुर प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि के पद पर मनोनीत किया है। विधायक ने कहा कि मेरे अनुपस्थित में निकेत बिहारी मेरे सहमति से जन समस्याओं को संबंधित पदाधिकारियों के समक्ष रखेंगे। गोपालपुर में स्वेच्छा से हटाया गया अतिक्रमण। मंगलवार की सुबह थाना परिसर गेट के आगे चार दीवारी से सटे कुल 12 दुकानदारों ने अपने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया। थाना अध्यक्ष सर इंस्पेक्टर श्रीकांत भारती ने बताया कि इन लोगों को 10 दिसंबर तक में अतिक्रमण को हटाने को लेकर नोटिस किया गया था, जिस पर सभी दुकानदारों ने अपनी सहमति से दुकान हटा लिया है। बाकी बचे कचरे को JCB द्वारा हटाया गया। मौके पर ASI श्री प्रसाद रमानी, अरविंद सिंह सहित कई अन्य मौजूद थे। गोपालपुर मीना देवी ने पैक्स अध्यक्ष पद से नामांकन लिया वापस। डुमरिया चप्परगढ़ पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए मीना देवी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है तथा सदस्य पद से रिंकू कुमारी ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। उक्त जानकारी BDO सह निर्वाची पदाधिकारी प्रियंका ने दी।